E20 फ्यूल यानी कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल का इस्तेमाल, इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल है। भारत सरकार ने E20 फ्यूल हमें सौगात में दिया है, जिसमें कि 80% और 20% का ब्लेंडिंग किया जा रहा है, यानी पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इससे पहले कि 10% मिलाया जाता था, शुरुआत में 5% मिलाया गया, अच्छा रिजल्ट रहा, 10 पर भी अच्छा रहा, और 20 मिलाया जा रहा है। इससे फायदे क्या होंगे कि पॉल्यूशन कम होगा, कॉस्ट कम होगी, और सबसे बड़ी बात दूसरे देशों पे पेट्रोल के लिए निर्भरता कम होगी। तो इससे क्या फायदे हैं, हालांकि बहुत फायदे हैं, लेकिन इसके साथ इसका कुछ नुकसान भी है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए E24 हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने G20 में E20 का सौगात दिया और पूरी दुनिया को इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बताया, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा, यानी कार्बन का जो रिडक्शन हो रहा था, मतलब कार्बन जो ज़्यादा बढ़ रहा था इन्वायरमेंट में, जिस कारण गर्मी बढ़ती है, तमाम पॉल्यूशन होता है, उसे कम करने के लिए। तो देखिए इथेनॉल, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में, यानी 80% अगर 800 ग्राम अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम इथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल मिला देंगे तो वो हो जाएगा 1 लीटर पेट्रोल। ये पैटर्न नई गाड़ियों पे चल रही है, पुराने गाड़ियों में इंजन पे ये नहीं काम करेगी, क्योंकि उनमें देखिए हर चीज का कंप्रेशन रेशियो, इग्निशन पॉइंट, स्पार्क पॉइंट डिपेंड करता है कार के या फिर किसी भी इंजन में, तो उसमें थोड़ी सी उतराव चढ़ाव देखा जा रहा है, जिस कारण इसी पैटर्न पे गाड़ियां अब डिजाइन की जा रही हैं, क्योंकि इसके कुछ स्पार्क और इग्निशन पॉइंट में थोड़ा सा चेंजेज है। ये बनता कैसे है, बात करते हैं इथेनॉल के रिसोर्सेस क्या है, इथेनॉल हमारे देश में आता कैसे। इथेनॉल को जनरली हम लोग नेचुरल गैसेस में भी मिलता है, उसके बाद ऑर्गेनिक गैसेस से भी ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, उसके बाद जो कृषि से जो गन्ने की खेती होती है, जो कारखाने होते हैं, वहां भी इथेनॉल बनाया जाता है। हालांकि ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद पॉइंट हो गया, क्योंकि जो गन्ने की खेती करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल जो प्रॉफिट हो गया किसानों के लिए, अगर गन्ने की खेती करेंगे तो इथेनॉल बनेगी कंपनी तो ज्यादा पैसे देगी, यानी गन्ने का रेट भी बढ़ेगा। और उसके बाद आता है जो कोल केमिकल जो कुछ कंपनियां होती है, वहां भी कुछ प्रोसेस के अनुसार इथेनॉल बनाया जाता है। हमारे देश में पर डे लगभग इस समय वर्तमान समय में 600 करोड़ लीटर, यानी 600 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे 0.2 के हिसाब से तो अगर 6 को 4 से, यानी 2400 करोड़ पेट्रोल, अगर 3000 करोड़ पेट्रोल की बात करें तो उसमें से 6000 करोड़ पेट्रोल हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे दूसरे देशों से। क्यों? क्योंकि 6000 करोड़ तो हम खुद बना लेंगे इथेनॉल मिला के, यानी बहुत ही बड़ी इकोनॉमी में फायदा होगा। वर्तमान समय में बात की जाए तो हम लोग पूरा का पूरा रूस पे डिपेंडेंट है कोल्ड ऑयल के लिए, कोल्ड ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसको बाद में प्यूरीफाई करके हम लोग पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। हालांकि ये जो इथेनॉल है अभी डीजल पे नहीं मिलाया जा रहा है, केवल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, पेट्रोल में ये सक्सेसफुल रहा है। हालांकि डीजल में भी कुछ एडिशनल रिएक्टेंट लिया जाए या फिर एडिशनल कुछ सोल्युबल मटेरियल लेके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी एजेंट ऐसा नहीं मिला जो कि इसके साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जा सके। अगर कोई एजेंट मिलता है तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान समय में प्रॉफिट की बात की जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से लगभग 40,000 करोड़ रुपए हमें प्रॉफिट होगा एवरी ईयर, अगर केवल कर्ड ऑयल में। अगर प्रिफर्ड ऑयल की बात की जाए तो ये लाख करोड़ में चला जाएगा। हम पर डे हम लोग जो रसिया से ऑयल लेते हैं कर्ड ऑयल, वो लेते हैं फिलहाल 10 लाख बैरल पर डे। बैरल होता है मतलब जो पेट्रोल लेते हैं वो बैरल में उसकी यूनिट मेजर की जाती है। 1 बैरल की बात की जाए तो 159 लीटर के बराबर आता है लगभग। तो ये जो पूरा जाता है वो 15 करोड़ 90 लाख लीटर पर डे इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है पेट्रोल। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो सालाना की बात की जाए तो लगभग $550 बिलियन हम खर्च करते हैं केवल पेट्रोल पे, हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है। तो इसमें अगर 0.2 की बात की जाए तो 0.2 मतलब कि लगभग 100 करोड़ अभी हमको फायदा हो सकता है, 100 करोड़ का पेट्रोल हम उनसे नहीं लेंगे अभी के इकोनॉमी के हिसाब से। तो बहुत ही बड़ा फायदा है इकोनॉमी से देखा जाए तो, और इसे बनाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्लेंडिंग करनी है। जो कंपनियां खरीद के प्यूरीफाई करती हैं उसी में एक स्टेप डाल देंगे ब्लेंडिंग का, जिसमें हालांकि पहले भी ये ब्लेंडिंग का प्रोसेस था, वहां पे 5% से 10% ब्लेंडिंग की जाती थी, अब 20% की जाएंगी। तो देखिए इसके फायदे क्या है, लेस पॉल्यूशन, यानी कार्बन जो रिलीज करेगा एटमोसफेयर में, यह बहुत ही कम कार्बन रिलीज करेगा एटमोसफेयर में,
और दूसरी बात है सेल्फ डिपेंडेंट, जो कि हम आत्मनिर्भर भारत की बार बार व्याख्या करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो पेट्रोल हमारे पास ज्यादा हम लोग बनाते नहीं थे, यानी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम थे, जिस कारण हमें दूसरे देशों में डिपेंड होना पड़ता था। अगर कंजम्पशन की बात की जाए पेट्रोल की, तो सबसे ज्यादा अमेरिका में कंजम्पशन होता है, उसके बाद चाइना में होता है, उसके बाद आता है इंडिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, यानी थर्ड नंबर हम वो हैं जो सबसे ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम लोग अमेरिका से भी इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन वर्तमान में रूस से करते हैं, क्योंकि रूस हमें सस्ते में पेट्रोल दे रहा है, क्रूड ऑयल दे रहा है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल सब्सटेंस है, तो कुछ ना कुछ वो आते हैं, लेकिन अगर मेजर उसमें अगर मेजर की बात की जाए तो उसमें आ जाता है इफिशियंसी रिडक्शन, यानी अगर हम जब गाड़ी में कोई भी पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो वो सोचता है कि हमारी एक लीटर में कितनी गाड़ी चली जाएगी, या फिर हमारे इंजन में उसको क्या असर पड़ेगा, तो इसके हालांकि की इफिशियंसी में असर पड़ेगा। जहां वो पेट्रोल ओरिजिनल पेट्रोल एक लीटर में 10 किलो काम करता था, मान लीजिए 10 यूनिट काम कर रहा है, तो वहीं ये लगभग 9.5 यूनिट काम करेगा, यानी थोड़ा सा काम में कमी आ जाएगी, यानी जो 100 किलोमीटर गाड़ी जाती थी वो 80-90 किलोमीटर जाएगी, मतलब 90 प्लस ही जाएगी, ऐसा देखा जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी नए पैटर्न पर डिजाइन की जा रही है, जिसमें कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड E20 यानी 20% E20 फ्यूल के पैटर्न पर गाड़ी डिजाइन की जा रही है, हालांकि महिंद्रा का कहना है कि हम 2023 अप्रैल के बाद जितने भी गाड़ियां बनाएंगे सब इसी पैटर्न पे बनाएंगे, यही बात सुजुकी ने भी कहा है, यही बात टाटा ने भी कहा है, तो अब जो गाड़ियां बनेंगी उनमें कोई इफिशिएंसी की कमी नहीं देखी जाएगी। अगर